हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूपी की आयुष काउंसलिंग की जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है यूपी की आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पर। और ये काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 26 अक्टूबर, यानी 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी भी जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है और उन्हें लग रहा है कि मुझे कॉलेज मिल सकता है, या उन्हें लगता है कि अब तैयारी नहीं करना, बहुत हो चुका, नीट की प्रिपरेशन ऑलरेडी 2-3 साल 4 साल बर्बाद कर चुके हैं, तो कॉलेज ले लेना चाहिए, तो उसके उनके साथ एक लास्ट मौका है। अभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे अच्छे जो कॉलेजेस हैं वो सारे फुल हो चुके हैं, बट फिर भी अगर आपको BMS ही करना है तो कहीं ना कहीं आपके लिए अभी भी ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। तो प्रोसीजर वही सेम है जैसा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में रहा है, सेकेंड में रहा है, सेम वही प्रोसीजर है। मैं डेट आपके सामने बता देता हूँ और मैं साइड में शेयर भी कर दूंगा, तो वहां से भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है आपकी 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे से 27 तारीख शाम को 5 बजे तक, यानी कि 2 दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि, यानी कि जो सिक्योरिटी मनी है उसकी जो डेट है वो आपकी 26, 27 और 28, 28 तारीख को 12 बजे तक, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद 3 दिन हैं आपके पास, 12 बजे तक आप अपनी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन, यानी कि ऑनलाइन आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वेरीफाई किए जाएंगे, वो आपके 26 से 28 तक 3 बजे तक होंगे, यानी सिक्योरिटी मनी जमा करने के 3 घंटे बाद तक वेरिफिकेशन चलेगा। उसके बाद पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट, यानी स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है उनका सारा मेरिट लिस्ट में दिख जाएगा नाम वगैरह, वो आपकी 28 को 4 बजे ही आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, फिर उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगी, वो आपकी चॉइस फिलिंग की जो डेट होगी वो 28 से 30 तक होगी, 30 तारीख को 2 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग में ऑब्वियसली वही कॉलेजेस होंगे जिनकी सीटें फुल नहीं हुई हैं, तो हो सकता है कई बार ऐसा भी हो कि आपके पसंदीदा कॉलेज जो आपको लग रहा था कि मिल जाएगा सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में, और नहीं मिला, तो एक बार कोशिश कर लेना थर्ड राउंड में, शायद सेकेंड राउंड में किसी ने अपग्रेड किया हो तो आपके पास चांसेस हैं कि वो आपको मिल सकता है। उसके बाद आपकी जो सीट आवंटन की सूची है कि किसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो ऑनलाइन आ जाएगा 30 तारीख को शाम को 5 बजे तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कॉलेज मिल गया, अब आपको जाना है नोडल सेंटर, अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई कराने हैं ऑफलाइन में, पहले ऑनलाइन वेरीफाई हुए अब ऑफलाइन वेरीफाई होंगे, वो आपको जाना पड़ेगा 31 तारीख को। और कुछ लोगों का रैंक के हिसाब से अलग अलग आएगा, तो 31 को भी और एक को भी आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है नोडल सेंटर। फिर उसके बाद वहाँ वेरीफाई होने के बाद आपको अगर कॉलेज लेना है नहीं लेना वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ पर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, और फिर आप पर डिपेंड करता है कि उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर के आप कॉलेज में जा रहे हैं एडमिशन के लिए या नहीं जा रहे हैं। वैसे तो फिलहाल अब ये लास्ट चांस है। इसके बाद मॉपअप राउंड होता है, वो तब होता है जब सीटें ज़्यादा बची हुई होती हैं, लेकिन ये जो 3 प्रोसीजर हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कोशिश करें कि थर्ड राउंड में ही कॉलेज ले लें, अब अपग्रेड करने का आपके पास मौका नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो लास्ट आपके पास 4 तारीख है जहां आपको शाम के 5 बजे तक अपने कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो वही सेम प्रोसीजर है जो फर्स्ट राउंड में है, सेकंड राउंड में, वही सेम थर्ड राउंड में है। कुछ दिन जो है वो कम कर दिए गए हैं क्योंकि कॉलेजेस भी कम हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी ले रखे हैं। अब बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि फर्स्ट राउंड में हमें कॉलेज नहीं मिला, सेकंड राउंड में नहीं मिला, अब थर्ड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कोशिश कर लीजिए। कई बार बच्चे अपग्रेड करते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई कॉलेज जो आप चाहते थे वो शायद खाली हो, तो एक बार देख लीजिएगा। मैं भी श्योर नहीं हूँ कि किस कॉलेज में कितनी सीटें फुल हुई हैं नहीं हुई हैं, ये तो अपग्रेडेशन के बाद पता चलेगा। तो कोशिश करें, रजिस्ट्रेशन करें और हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, फिर किस्मत पर डिपेंड करता है आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स के बेसिस पर यहाँ नहीं रह जाता है,
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने सेकेंड राउंड में हिस्सा लिया लेकिन उनके मार्क्स फर्स्ट राउंड में जिनको जो कॉलेज मिला उससे बहुत ज़्यादा थे, बट फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिला सेकेंड राउंड में। तो ये भी चीज़ें हो जाती हैं, आपके मार्क्स अच्छे होने के बावजूद भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है जस्ट बिकॉज कि आपने सही टाइम पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।